अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम जानते हैं बकरीद बहुत करीब आ गई है, तो आज हम बनाने वाले हैं बकरीद स्पेशल हैदराबादी तला गोश्त। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैदराबादी तला गोश्त बनाने के लिए हमने लिया है 350 ग्राम बोनलेस मटन। मटन को हमने 1 से 1.5 इंच के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मटन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढककर 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। पैन को हमने प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे। ये आप देख सकते हैं पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और मटन को अच्छे से पकने देंगे। मटन ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें मटन को ड्राई होने तक पकाना है। पानी लगभग सूखने आया है। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी और ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में आप इसे 8 से 10 मिनट के लिए पका लीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कढ़ाई में बनाकर ट्राई करिए। कढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हम पैन को कवर करेंगे और मटन को टेंडर होने तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। मटन को पकते हुए 1 घंटा हुआ है और मटन 90% तक टेंडर हो गया है। अच्छा जी, तो मटन को पकाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें 10 से 15 मिनट में मटन को चेक करना है और अगर इसके अंदर पानी कम हो तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं मटन में अब ज़्यादा पानी नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मटन को हमें चलाते हुए 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है ताकि जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इस तरीके से फ्राई करने से क्या होगा कि मटन के पीसेस ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। अब हम 25 से 30 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। 1 से 2 मिनट हुए हैं, मटन और कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑयल कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें धनिया और 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसको मिक्स करकर 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। मटन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1/2 नींबू का जूस डालेंगे और मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हैदराबादी तला गोश्त बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।